उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के थाना बिलारी क्षेत्र में पिछले दिनों हुई ई रिक्शा चालक की हत्या के मामले में आज पुलिस ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बिलारी पुलिस ने आज एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो ई रिक्शा चालकों को अपना निशाना बनाकर पहले लूटपाट करता था और फिर उसकी हत्या कर देता था। आपको बता दें कि 25 दिसंबर को बिलारी क्षेत्र में एक व्यक्ति की बॉडी बरामद हुई थी जिसका किसी भारी चीज से मुंह कुचलकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान संभल जनपद निवासी शिवशंकर के रूप में की गई थी। वह व्यक्ति ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। पकड़े गए आरोपियों ने उसकी ई रिक्शा लूटकर उसकी हत्या कर दी थी। एसपी देहात ने इस गैंग का खुलासा करते हुए बताया कि गैंग का सरगना भी अपने 3 साथियों के साथ पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार इस गैंग का सरगना संभल का रहने वाला हरदेश है, वहीं इस गैंग को लीड भी करता आ रहा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से गंभीरता से पूछताछ कर रही है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। 25 दिसंबर को थाना बिलारी क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी जिसके गर्दन पर और सर पर चोटों के निशान थे। उक्त के आधार पर थाना बिलारी पर हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद में उक्त मृतक व्यक्ति की शिनाख्त हुई जिसके आधार पर प्रकरण उस ई रिक्शा चालक की हत्या करके लूट का पाया गया। तो सर इसमें कितने दिनांक 2/3 की रात्रि में थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत एक ई रिक्शा चालक की हत्या की गई जिसमें भी यही अभियुक्त शामिल रहे। इस प्रकार से पूछताछ के दौरान अभियुक्तों से एक और घटना प्रकाश में आई जिसका ई रिक्शा लावारिस हालत में थाना मझोला में खड़ा हुआ पाया गया और उसके वादी को तलाश करके उसमें भी आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो सर इसमें कितने आरोपी पकड़े गए हैं अभी? इसमें अभी हमारे पास 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें कुछ अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। सर इन घटनाओं से पहले क्या और भी कोई घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई हैं या इनका कोई आपराधिक इतिहास? उक्त घटनाओं से पूर्व अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त है हृदयेश, इसके विरुद्ध लगभग 15 अभियोग पंजीकृत हैं। थाना पाकबड़ा, मझोला और कटघर तथा इसके अतिरिक्त जनपद बदायूं में इसके विरुद्ध हत्या, लूट, चोरी के लगभग 15 अभियोग पंजीकृत हैं। इसमें एक दूसरा अभियुक्त सोनू उर्फ देवेंद्र नाम का है जिसके विरुद्ध लगभग 16 अभियोग जनपद बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद में पंजीकृत होने पाए गए हैं। अन्य जो माल का खरीददार है उसके विरुद्ध भी अभियोग मुरादाबाद में पूर्व में पंजीकृत हैं जिसकी छानबीन की जा रही है। बहुत ही विभत्स रूप से इनके द्वारा घटना को अंजाम दिया जाता है और एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य सामने आया इनसे पूछताछ के दौरान। ये एक टैबलेट का सेवन करते हैं जिसका नाम इटियॉन 2mg बोला जाता है, जिसको अल्प मात्रा में खाने से एंग्जाइटी होती है काफ़ी ज़्यादा और जो सेवन करने वाला अभियुक्त है वो उससे अत्यंत ही अग्रेसिव रूप में होकर क्रूर प्रहार अपने जो पीड़ित है उस पर करता है। यदि उस टैबलेट को अत्यधिक मात्रा में खिला दी जाए तो सामने वाला जो भी उसको लेने वाला है वो बेहोशी की हालत में आ जाता है और अगले 12-14 घंटे तक वो बेहोशी की हालत में ही पड़ा रहता है। उस टैबलेट की का ये इनके द्वारा सेवन किया जाता है। शराब में मिलाकर उक्त टैबलेट को पीड़ित को पिलाया गया और स्वयं भी साथ में शराब पी, लेकिन सावधानी से उस टैबलेट को पीड़ित की शराब में मिला दिया गया जिसके आधार पर इन्होंने दोनों घटनाओं को अंजाम दिया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।